क्या लग रही है यार सही में। जीबी रेसिंग, ईवो टैक, सब कुछ करवा, टेल टाइडीज। फैन के टके, तेरे बाप की रोड है क्या? मजा आ गया। एलियन बाइक लग रही है सही में, एलियन भाई। सेक्सी लग रही है बहुत ज्यादा। अच्छा कलर ही ऐसा है और ये ऑफ रोडिंग वाली है। ये चीज रिकॉर्डेड रहनी चाहिए। अरे तुमने वो लेडी को चाय कैसे बोली जरा बताना, चाय किस तरीके से? उसको बोला दीदी ये चाहिए, दीदी ये चाहिए, वो पता क्या कहती? चा चाहिए, चा। मैं अभी जो है ना 900 पे हम लोग जो है ना रेव सेटिंग रेव कर रहे हैं। जरा आपको वीडियो दिखाता हूँ कि फ्लेम्स कैसे फेंक रहे हैं, फुक फुक करके फ्लेम्स मार रही है। तो देख लिया कितने प्यारे अंदर से ग्रॉलिंग मार रही है और फुल सिस्टम एरो के साथ है। शांत हो गई, अच्छी बात है शांत हो गई, वरना जो है ना कान में जो है ना दर्द कर जाती है। बाकी बाइक जो है ना इतनी मतलब जो है बेसिक लोडिंग जो है ना वो करवा रखी भैया ने, जैसे सिमटेक का ये करवा रखा है, ये करवा रखे लिवर्स, ठीक है, बार एंड मिरर्स हैं, फुल सिस्टम तो है ही, जीबी रेसिंग, ईवो टैक, सब कुछ करवाया, टेल टाइडीज। वहाँ भीड़ लगी पड़ी है क्योंकि वहाँ पे आलम भैया की भूसा पे वीडियोस करवाई जा रही है। पर जितनी भी बाइकें खड़ी है उसके अंदर सिर्फ एक बाइक पसंद आई है, वही है। और कौन सी है? V4S डुकाटी। इसके अंदर जो है ना पूरी रेस पैक है बाइक, और रेस पैक के साथ मैंने इसमें एक खासियत क्या है कि ये जो है इसका एग्जॉस्ट जो है ना 8.5 लाख रुपये का है। यहाँ पर ना बड़े बड़े लोग जा रहे हैं मतलब भूसा वूसा ले के, और यहाँ पर क्या बोला जाए, दोनों HSC ब्रदर्स और जो है भूसा ब्रदर्स, बिल्कुल ये देख लो किलसाया जा रहा है मेरे को HSC दिखा के। और अरे यहाँ पे एक ने कर दिया है अपना स्कॉर्पियन, एक ने कर दिया है अपनी SC प्रोजेक्ट, दोनों अपने बड़े भैया की बाइक है और हमें जेलस कराया जा रहा है। राइनॉक्स पहन के आए भैया, सेम बाइक है भाई, तो कह रहा हूँ सेम बाइक है। एग्जॉस्ट से हमें जलाया जा रहा है, मेरी बाइक शोर नहीं करती आपकी, डबल शोर भाई। भूसा की तो गलत आवाज आ रही है। चलो भाई बाइकर्स वान से हम लोग सब निकल रहे हैं, अंशुल भैया वगैरह सब लोग जो है वो अपना जो है थोड़ी देर बाद निकलेंगे। हम लोग को निकलना था क्योंकि 10 बज चुका है, तो हम लोग इसलिए अब टाइमली निकल रहे हैं। आलम भैया आगे हैं और मैंने इसकी ना रेज एडजस्टमेंट कर दी है क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा जो है रेज ऐसी हो रही थी अजीब सी। वेट कर लेता हूँ बाकियों का। और तो ये रहे आलम भैया, क्या लग रहे हैं भाई, क्या सेक्सी लग रही है बाइक इनकी। अभी जो है निकलने का है मतलब ये का खाली हाईवे रहता है, राइट मुड़ेंगे, आगे से लेफ्ट मुड़ेंगे और सीधा जो है अपना घर निकलेंगे। घर तो नहीं, वैसे आलम भैया के पे जाके थोड़ी देर बैठेंगे सबके सब भाई लोग, और उसके बाद फिर घर निकलूंगा क्योंकि अभी अपने वाले एरिया में भी जा सकता हूँ, देखते हैं। और ये देख लो बाइक कितनी सुंदर लग रही है। भानु कहाँ गया? निकला तो साथ ही था, पता नहीं कहाँ गया। मजा आ गया। तेरी बहन के टके, तेरे बाप की रोड है क्या? तो पीछे नहीं देखेगा क्या? चलो भाई, गलती हो गया भाई, बच गया भाई साहब, चूतियों की तरह एकदम से घुस गया, इसलिए मेरे मुंह से गाली निकली आज। ये देखो भानु भी ये अरे भाई साहब, गलत है भानु, गलत है, बहुत गलत कट मारा है। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो तो जरूर से बता देना बाइक्स कैसी लगी आज की, जरूर से बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आज का व्लॉग जो है ना अब से टाइमली व्लॉग्स डाला करूँ, मतलब आज अगर व्लॉग बना तो कल तक व्लॉग आ जाया करेगा मेरा। ये देख लो बाप की सड़क है, और आज मैंने जो है ना थोड़ी बहुत फोटोज भी क्लिक कराई है, तो हो सकता है मैं फोटोज को ना ऐड करके डाल दूंगा। वैसे कोई मेरा तो एडिटर है नहीं, मैं खुद ही एडिट करता हूँ अपने व्लॉग्स को। तो वीडियोस पसंद आ रही हो तो भाई लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब और शेयर करना, ठीक है। बाकी अभी अपना चलते रहते हैं। ओ भाई 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 भाई,
छोटे छोटे स्ट्रेच लेता हूँ, उसके अलावा तो ज़्यादा लेता ही नहीं। और ऐसे बंदों से बच के आकर जो बंदे ऐसे काट के घुसे लाइक दिस, वाह चाचा वाह, रोड के बीच में रोक दो। एक सेकंड का स्ट्रेच था पर बहुत सुंदर था। और आलम भैया की जो बाइक आवाज कर रही है ना, इतनी प्यारी कर रही है ये। अरे आलम भैया मजा आ गया, सॉलिड मजा था भाई साहब। आलम भैया भी कभी कभी जो है बिल्कुल हो जाते हैं कि हाँ भगानी है बस। बड़ी प्यारी लग रही है भाई बाइक देखने में, बहुत सुंदर लग रही है भैया की बाइक, एक नंबर लग रही है, एक नंबर। राजा की सवारी हो तेरी तो, पूसा के साथ रेस लगा रहा है। यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो भाई करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और शेयर करना है। बहुत टाइम के बाद ऐसा अमेजिंग सा कंटेंट लेके आ रहा हूँ। अभी जो है आगे अपने को एक और बाइक दिख रही है, ये कौन सी है मेरे को नहीं आइडिया बिल्कुल भी, पर मैं देखता हूँ मेरे हिसाब से डुकाटी है। हाँ स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम्बलर 54 वर्जन डुकाटी, बहुत ये भी बढ़िया लग रही है देखने में। स्क्रैम्बलर बाइक्स यार जो होती है ना, जो कैफे रेसर बाइक्स होती है, उनका एक अलग ही जो है लुक आता है चलने में। अरे बाप रे बाप रे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। भानु भाई साहब पता नहीं कहाँ चले गए। अब गुड़गांव से हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। घर तो नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ऑडो मोडो कस्टम्स, वहाँ जाके थोड़ी देर बातें तो करेंगे सारे भाई मिलके। और आज भानु पार्टी दे रहा है, उसने ना रेयर राइडिंग बूट्स लिए हैं तो पार्टी देगा, उसके लिए सारे के सारे जा रहे हैं। और मैंने आज लगा रखा है अपना ब्लू वाला वाइजर, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा ना तो जो है बता देना। ये देख लो 21 किलोमीटर डेली है, मतलब जो आराम से जाएंगे पश्चिम विहार पहुँचेंगे और पश्चिम विहार में रुकेंगे भैया के शॉप पे, थोड़ी बातें करेंगे। एक तो ना गाड़ियों वालों से बड़ा डर लगता है, जो बंदे ना बिल्कुल पंप होकर चला रहे होते हैं ना, चार जो रखे होते हैं गंदे वाले, कब ऐसे ऐसे काट दे कुछ नहीं पता। जैसे वो हैरियर वाला बंदा है, ये इनोवा, तो आराम से जो छटाके डाल के मस्त चल रहा हूँ, पटाखे के एंजॉयमेंट ले रहा हूँ। मेरी बाइक वैसे भी क्रैकल तो आजकल बहुत ज़्यादा फूट रही है। दो कूड़े मैग ना दी, चार जी वैग ना दी। हल्की हल्की कटिंग मारने में ना जो कॉन्फिडेंस आता है ना, इस बाइक पे आज तक किसी बाइक पे नहीं आया मेरे को किसी भी। मैंने बूसा चला ली, S1000RR चला ली, 10R चला ली, 6R चला ली, कोई भी बाइक कह लो, इस बाइक से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को आज तक किसी बाइक पे नहीं आया। पीछे से S1000RR आ रही है, बहुत प्यारी बाइक है। गायब, कुछ बाइकर्स बड़े फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि ये थे, एक इशारा करा भाई भाई ने बिल्कुल, तो ये ऐसे बाइकर्स बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। वैसे मैं इनको जानता हूँ पर्सनली नहीं, वैसे मतलब जो है हम लोग हाई हेलो होती रहती है, तो हमारा भी ऐसे ही एक हाल हो रखा है इस टाइम पे। हम लोग भी जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ऐसे ही आना जाना सामान वान लाना, तो भाई भाई की मेहनत देख के ना मेरे को, मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि जो भी भाई काम कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई हर चीज़, ये चीज़ें ना शौक के उस पर होती है कि ठीक है पेट्रोल डाला बाइक लेके निकल गए घूमने निकल गए, पर जो एक्चुअल काम होता है ना यार वो एक अलग रहता है, उसमें जो है फोकस रहना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं भाई भाई को जो है सैल्यूट है, और भाई ना इस तरीके से जा रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छी बात है। भानु वहाँ से रोलर्स निकाल रहा बढ़िया बढ़िया से भाई साहब। इसको ना ये ऐसे कैमरामैन ना बड़े कम मिलते हैं जो इतना ज़्यादा डेडिकेशन से एक रोलर निकाल रहे प्यारा सा। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक करना, चैनल करना, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइट से स्टे से। दिस इज एसजी साइनिंग ऑफ विद पैंथर एंड अवर अपना जो है ऑटोमोटो ग्रुप। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय बाय।